रिसर्चर, एजुकेशनलिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड आर्टिस्ट, 16,000 से ज़ायद लेक्चर्स, 8,000 से ज़ायद वर्कशॉप्स, 52 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ, 7 से ज़ायद नए मज़ामीन बनाए, 7 से ज़ायद अंदाज की थेरेपीज, कई तरह की कामयाब कंसल्टेंसी, ये तारुफ है फादर ऑफ टाइम टोपोलॉजी सगीर अहमद साहब का। सहयोग की बात नहीं थी तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पर्सनैलिटी हमें शुरू किया चीज शुरू होती है थॉट से, सही है। वेन यू सॉ द थॉट देन यू रीड इट, वेन यू सॉ द विल देन यू रीड द थॉट। विल बेसिकली क्या होता है कि ये कहा जाता है, डॉक्टर इतिहास ने हमारे कोहटा में काम करते थे, उन्होंने किताब में कहा था ये अल्लाह से इल्तिजा होती है, दरख्वास्त होती है, वो रिटर्न में थॉट देता है। एक साइकेट्रिस्ट ने एक सवाल पूछा भरी महफिल में, कहता है तुम्हें डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं तो तुम क्या करोगे, क्या करेंगे आपकी सेहत खराब क्या करेंगे 3 घंटे में, क्या करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, तौबा करेंगे। उसने एक बात बोली थी, उसने कहा था कि आप जाके नेकी करेंगे। तो क्या होता है कि ये इस तरह की नेकियां होती है जिससे क्या बनती है आपकी थॉट्स बनती हैं। इसके लिए व्हेन यू सॉ द थॉट देन यू रीड द एक्शन, जो आपके एक्शन है, जैसे इन्होंने कहा कि उस लड़के ने ये वाली बात बोली, सही है कि ना, वो थॉट्स से है, जो आपके थॉट में होता है वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके एक्शन बन जाते हैं। व्हेन यू सॉ द एक्शन देन यू रीड द हैबिट, कहते हैं बच्चे की आदतें खराब हो गई शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ, आपके पर्सनैलिटी में। जब आप पर्सनैलिटी को बोलते हो तो आप काटते हो फाइनल डेस्टिनेशन, जो जिंदगी के आखिर में कमाई हो गया। आखिर में मैंने कह दिया करेक्टर प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। करेक्टर क्या होता है, जी हाँ, लास्ट रॉ में से आप बता, जी हाँ, करेक्टर जो आपके सम टोटल होता है हैबिट्स का, वो क्या कहलाता है, करेक्टर का एटीट्यूड, हाउ यू बिहेव विद अदर्स, ये आपका क्या हो जाता है एटीट्यूड। इन दोनों को मिलाते हैं तो पर्सनैलिटी बनती है। तो जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी का काम नहीं करेंगे तो ना आप अच्छी माँ बन सकती है, ना अच्छी टीचर बन सकती है, ना अच्छी क्लीग बन सकती है, यानी वो अच्छा आपके नाम के साथ लग ही नहीं सकता। जो शख्स अपने आप को नहीं जानता वो कैसे अच्छा हो रहा है। जब आपको पता ही नहीं है, मेरे पास एक पेशेंट आई, ये जो आजकल एक वायरल चला होता निगेरिया की पेशेंट थी, वो हेल्थ कंसल्टेंसी में देता हूँ, तो उसका हाथ ऐसे खड़े थे एकदम ऐसे हो जाता, खुद ही बैठी बैठी ना ऐसे, क्योंकि ब्रेन में निगेरिया जाके अटैक किया करता है। तो क्या था, वो बेचारी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो जब आपके पास कंट्रोल नहीं है, उसको मैं बोलता कि गिलास लाओ, क्या वो गिलास बना सकती है। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं हुआ यू, आप परफॉर्म कैसे करोगे। Somebody says that I quoted कि फर्स्ट यू फाइंड योर स्किल्स, सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स फाइंड करनी होती है, देन यू शाइन योर स्किल, उसके बाद आपको अपनी स्किल शाइन करनी होती है, देन यू सेव योर स्किल। आपने पहले ही स्टेप नहीं किया, आपने अपनी स्किल्स फाइंड ही नहीं की, आपको पता ही नहीं था कि आपके स्किल क्या है। स्किल्स किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, फाइंड किस तरह से की गई, आपके ऑफिस में स्टाफ कितना आपके साथ का, नहीं आपके साथ होती है, पहले बता कर लेते हैं मुझे? अच्छा
कंप्लीट करना इसलिए आप कंप्लीट कर दो। उसमें ये है कि आप रात में जब सोने लगते हैं तो आप 10 से 15 मिनट अपने पूरे दिन की चीजों को एक दफा नोटिस करें, मेमोराइज करें कि जी आपने इसमें इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया, किसने आपसे क्या कहा, तो आपने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। बिल्कुल सही। तो आपका जो रिएक्शन था उसके बाद कितनी तकलीफ हुई तो अंदाजा हो जाएगा कि आपने अच्छाई कितनी बुराई। नहीं नहीं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने स्किल बोला। ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ बिल्कुल सही है, स्किल्स हमें ये फाइंड करना है कि हमारे अंदर स्किल्स क्या है। समझ नहीं मालूम मसला ये है। आप क्या करें, आप ना पिछले एक महीने में देखें आपने क्या क्या किया, उसको पेपर पे लिखें, उसमें सक्सेस रेशियो लिखे हैं, वो प्रायोरिटी के लिहाज आप सही, जिसमें जितनी आपकी सक्सेस मिलती है वो आपकी क्या होगी। एक और चीज बताता हूँ, एक महीने का डेटा आपसे कितने लोगों ने क्या चीज पूछी। इसीलिए मेरे पास टैग नहीं है तो मेरे से टैग मांगने तो नहीं आएगा, सही, मेरे पास बहुत सारे नॉलेज है वो मांगने आएगा, इसे मेरा नॉलेज क्या है। आप वो डेटा संग्रह और देखें क्या है, क्या होता है मेरे पास पैरेंट्स आते हैं पर्सनैलिटी एनालाइज करवाने, आज के पास आसान है कुछ भी नहीं करो, फेसबुक की टाइमलाइन देख लो। अभी परसों की बात है कि मेरे पास साइकी का केस आया, एक लड़की का, उसको दौरे से पढ़ रहे थे, मैंने जज किया, मैंने कहा नहीं यार मसला कुछ और है, आजकल का जो हरकतें या लमाज करें उनमें से होगा। मैंने अपने पेरेंट्स को भेज दिया, मैंने उसके पड़ोस में से एक लड़की को बुलाया, मैंने कहा इसकी फेसबुक पता है तुम्हें, कहते हैं, मैंने कहा खोलो, उसने खेली, तीसरे पॉइंट में मैंने कहा इस लड़के से पता कर लो इसको क्या। सही होगी बात इसके लिए। तो ये चीजें अगर आप देखें, इसी वजह मैं अपनी फेसबुक की टाइमलाइन को बड़ा हल्का रखता हूँ। तो अगर ये छोटे छोटे डेटा सेट है उससे आगे चले, आपके किसी का भी मोबाइल बजेगा जो टोन आपने रखी हुई होगी, सब पता चल जाएगा आपकी हैबिट है, उसी से देखिए माइंडसेट से आता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है कि इससे अगर आप थोड़ा सा देखें कि लोग आपसे क्या लेने आते हैं, पिछले तरह बहुत से लोग हैं जो अपने को थिंकर समझते हैं, कोई उनसे कुछ पूछने आते नहीं है, थिंकर कहाँ से। तो आप क्या करें, आप पिछले महीने का 30-40 पर जितने भी लोग आपसे मिलने के लिए आए आप उसको देखें, आराम से पता चल जाएगा। समझ आया आपको? पेपर नहीं निकलना उसके लिए आती है, रूहानियत के लिए आती है, सही है ना। इसके अलावा मेरे पास जो है स्पोर्ट्स के लिए कोई नहीं आता, सही हो गई। अच्छा, उसके अलावा जितनी भी फील्ड है उसमें 1% होगा, सही। अब इसमें मैंने देखा ज्यादातर पर्सनैलिटी को डिस्कस करने आए, लेकिन ये मेरी कोर स्किल होगी, हेल्थ के लिए आए कोर स्किल होगी, जो मेरे से ज्यादा दफा मिलने के लिए पूछने के लिए आए वो मेरी कोर स्किल। सर हम घरों में रहते हैं, हमारे पास एक दो लोग होते हैं, हमारे पास ना कोई आता है ना कोई जाता है, तो हमें कैसे क्या होगा उसी में आप कर लें। आपने इस एक महीने में किस चीज पे ज्यादा बोला, आप ही ने बोला बच्चों के साथ, जो टॉपिक आपने सबसे ज्यादा बोला ना उस चीज पे। देखिए मैं आया हूं ना, आपको लग रहा होगा कि मैं पेज पे कुछ लिख के आया, लेकिन पेज पे लिख के आता है, मैंने श्रीमती बोली है, जिसे कहते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये समझाऊंगा आपसे क्या है, बोलूंगा वो जो अंदर है, लिख के कोई नहीं बोल सकता, ये सिर्फ आप लोग टीचर ही हो जो लेक्चर लिख के दे लेते हो, लिख के नहीं बोला जाता, अंदर बोला जाता है। तो आप सिर्फ ये देखो जो आपने पूरे महीने बोला ना वो याद रखा, वो क्या था। बहुत से पेरेंट्स हैं सिर्फ बुरा बुरा ही बच्चों को बोल रहे होते हैं, नहीं सच्ची बात बता रहा, ऐसे नहीं है, बहुत से पेरेंट्स हैं मौजी का बोलते हैं। मैं अपने भतीजे की बात बताता हूँ, उसने पिछले दिनों कहा कि भाई चाचू कहता है ना मेरे को, कहता है भाई चाचू यार आप तो बेवकूफ हो, मैंने कहा यार मैं बेवकूफ नहीं, आप मुझे अहमद बोल लो, ना समझ बोल लो, का मकल बोल लो, मैं बेवकूफ नहीं, छोटा सा बच्चा अभी वो, अब उसने क्या कह दिया,
कहते क्यों नहीं हो आप बेवकूफ। मैंने कहा पता है बेवकूफ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेवकूफ, किसे कहते हैं बेवकूफ, उसे कम अकल का वाकफियत कम होती है। जो बगैर वक्त के बोलते हैं, वक्त में अरबी से निकला ही नहीं, इसे पंक्चुएशन के लिए बोलते हैं। जो विदाउट पंक्चुएशन बोलता है उसे देखो। तो मैंने अपने भतीजे को समझाया, अब देखिए हमारे घर में ये वाली चीज ऐसे हो रही है, तो क्या हुआ मेरी कोर स्किल क्या हुई पेंस उसकी वजह। देखिए आप लोग बगैर स्टडी के बोलते हो। मैं जब पढ़ाया करता था 63 साल मैंने छोड़ दिया, 24 साल पढ़ाया मैंने, एक एक डॉट जो है एक एक डॉट उस पर मेरी रिसर्च होती है और उसके पीछे थीसिस तक मैं जाता। वैसे ही 23 घंटे फेसबुक पे नहीं देता था, 23 घंटे में बुक्स को दिया करता था, सही हो। और उसी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल आया कि आज डॉक्टर्स को टीच करता हूँ, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाके लेक्चर देता हूँ, हर एक प्रोफेशनल जगह पे बोलता हूँ। बात हमारी शुरू हुई थी यहाँ पर, व्हाट इज द फेथ, बात शुरू हो ही गई है। फेथ क्या होता है? आप सोई रहा करें ना, उठ जाती है। फेथ किसे कहते हैं? ये वाला चश्मा अच्छा होता है जिनकी तो फ्लॉसी है, नहीं पता कैसे लगा लिया था। फेथ किसे कहते हैं? यकीन के लिए बिलीव होते हैं इंग्लिश में। अच्छा फेथ वो चीज़ है, अजूबा वंडर, अकीदा। सही, इतना लोगों को पता है कि आप बगैर फेथ के बिलीव नहीं कर सकते। देखिए चीजें चलाते हैं साथ साथ, फिर आप एंजॉय करोगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो गाय की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग से दबा करके खा लेते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो काली बिल्ली रस्ता काट दे तो कहते हैं आदमी मरना स्वर्ग होगा, बहुत से लोगों ने काली बिल्लियां पाली नहीं है, सही होगी। बहुत से लोग जो है वो मुख्तसर से कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, बहुत से लोगों का पूरा जिस्म ही ढांपा हुआ होता है। ताकि आपको, जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी ना, तो आप उस पर चीज करोगे नहीं। हदीस की किताब तो किसी ने पढ़ा ना, सही बुखारी की बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। सर बिलीव हम किसी, अगर हमें कोई किसी चीज की चुप को ये पेश करेंगे ये चीज ऐसे हो सकती है, या हमारे पास उस चीज की पूरी हमें कोई मनाए दलील दे के ये चीज हो सकती है पॉसिबल है, तो उस चीज में हम बिलीव कर सकते हैं। फेथ हमारा उन चीजों पर भी होता है जो हमारी अनसर्टेन होती है, हमें पता नहीं होता कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अच्छा चलिए एक मेरा क्वेश्चन, आप में से कितनों ने रिसर्च करके फेथ को फाइंड किया?